सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर मनीषा व्यास। बच्चों, इसके पहले चैप्टर नंबर थर्ड में हमने सारी मात्राएं समझी ग्रामर में। अब हम व्याकरण में चैप्टर नंबर फोर संज्ञा, उसका अभ्यास करेंगे। बच्चों, संज्ञा यानी क्या? आपने इंग्लिश में भी सीखे होंगे नाउन, तो आज हम हिंदी में सीखेंगे। संज्ञा यानी जो नाम का बोध कराए वह शब्द संज्ञा कहलाती है। बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं, वह भी वाक्य के साथ हम उसे समझते हैं। पहला वाक्य क्या है? सौरभ लड्डू खा रहा है। आपको भी पसंद है ना? मुझे भी पसंद है। दूसरा देखते हैं, ताजमहल आगरा में है, बहुत सुंदर है ना? तीसरा, यह कुर्सी है। लास्ट, बुढ़ापा सबको आता है। हमने चार वाक्य देखे। बच्चों, इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो और इसमें नाम कौन कौन से है वह सोचो। कौन कौन से है? किसी भी नाम को बच्चों संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखो, वाक्य में कौन कौन से नाम दिए हैं हमें, जैसे सौरभ, लड्डू, ताजमहल, आगरा, कुर्सी और बुढ़ापा। सही है ना? आगे देखो, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप भी मेरे साथ बोलोगे, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन, तो मोहन एक व्यक्ति का नाम है। आप कोई भी नाम ले सकते हो, हमने यहाँ पर मोहन लिया है। बांसुरी, तो बांसुरी वह एक वस्तु का नाम है। अब मैं आपको बताती हूँ कोलकाता, तो वह एक स्थान का नाम है। और प्रेम, तो वह एक भाव का भाव है। इसमें और भी है जो हम आगे देखेंगे, यहाँ पर हमने सिर्फ ये एक एग्जाम्पल समझे हैं। आप कोई भी ले सकते हो नाम में। इस प्रकार बच्चों नाम कई तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे व्यक्तियों के नाम, वस्तु के नाम, स्थानों के नाम, भावों के नाम, प्राणियों के नाम आदि।
यह सब हम एक एक करके समझेंगे। पहला देखो, व्यक्तियों के नाम। आप कोई भी ले सकते हो व्यक्तियों में। यहाँ पर हमें दिया है अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, और कौन है आप सबका फेवरेट, हाँ, विराट कोहली जो क्रिकेटर है ना। आप ये सारे, ये तीनों नाम से परिचित ही हो। आप इसके अलावा घर में से भी कोई नाम ले सकते हो। फिर दूसरा देखो, वस्तुओं के नाम। बच्चों आपके आसपास क्या क्या है वो देखो, क्या क्या है और उनके क्या नाम है सोचो। देखा, जैसे मेज, घड़ी और टेलीविजन। अब दूसरा देखो, अब हम देखते हैं स्थानों के नाम। क्या दिया है स्थानों के नाम में, हिमालय, मॉल, अक्षरधाम, मंदिर। हाँ, अक्षरधाम मंदिर देखा है, बहुत सुंदर है ना। जैसे हम यहाँ पर दूसरे नाम भी ले सकते हैं ये तीनों के अलावा, दुकान, गांव और पाठशाला, कोई भी। आगे कौन सा है अब, हाँ, भावों के नाम। यहाँ पर पहला क्या दिया है, बचपन, उसके बाद मिठास और लास्ट मित्रता। और कौन से आ सकते हैं इसके अलावा भावों के नाम में, सोचो और सोच के बताओ। गर्मी, दर्द आदि। वेरी गुड। अब हम नीचे दूसरा देखो, प्राणियों के नाम। आप सबको आते ही है ना, कोई भी हो। यहाँ पर तीन दिए हैं, कौन से दिए हैं, मछली, तितली और बतख। जैसे जिराफ, मोर आदि। आप कोई भी ले सकते हो, आप सबको आते हैं प्राणियों के नाम। तो ये सब, यह सब जो हमने अलग अलग समझा, जैसे पहला हमने व्यक्तियों के नाम, दूसरे वस्तुओं के नाम, तीसरे स्थानों के नाम, चौथे भावों के नाम और लास्ट में प्राणियों के नाम, यह सब हमने समझा। तो बच्चों, यह सब क्या है, यह सब क्या है, संज्ञा है जो सारा हमने उदाहरण के द्वारा समझा। बच्चों, तो जो नाम ही संज्ञा है, समझ गए ना। आपको एक बार अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना है, सबको एक बार अच्छे से ये चैप्टर आपको पढ़ना है।